अरे भाई राहुल, जल्दी जल्दी लाइन में घसक आ गए। अरे प्रियंका, अपने भैया से बोलो थोड़ा जल्दी जल्दी काम करे यार, बहुत गर्मी हो रही है। देखो धूप में हम लोग खड़े हैं, मेरे पास टोपी नहीं थी तो मैं अपना चुनाव वाला ही टोपी पहन के आ गया, इतनी धूप है। अरे लालू, देखो लालू को बहुत गर्मी हो रही है, बेचारा सन्न मार के खड़ा है, कुछ बोल नहीं रहा है। अब पीछे तक लाइन है, मनमोहन सिंह तो अपनी पगड़ी से बच जाएंगे लेकिन हम लोगों की हालत तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अरे अपने पति वाड्रा का तो सोचो, लाइन में पीछे खड़ा है बेचारा चुपचाप। थोड़ा आगे हो, आगे वाले को धक्का दो जल्दी से, नंबर आए हम लोग गैस लेके चलें। और तुम लोग तो तीन तीन गैस लेके लेने आए हो क्या, अपना भी, अपने पति का भी, अपने भाई का भी? लग रहा है कि 6 महीने की व्यवस्था तुम एक ही बार में कर लोगी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ भाई केजरीवाल, बहुत ज़्यादा गैस महंगा हो गया, क्या करें, इसलिए सोच रहे थे कि बार में 3 टंकी भरा लेंगे, 6 महीने साल भर चलेगा। अब हम लोग दिन में गैस पर बनाएंगे, रात में लकड़ी पर खाना बनाएंगे, क्योंकि पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। और बेरोजगारी तो हमारे घर में है ही, अब पैसे भी नहीं है हमारे पास काम करने के लिए, गैस भराने के लिए। तो मम्मी कहीं से उधार मांग के लाई है 3-4 हज़ार रुपये, तो उसी से सोच रहे थे 3 टंकी गैस भरवा लें, रोज़ रोज़ का लफड़ा ख़त्म। अब 6 महीने में एक बार ही भराएंगे हम लोग। अब ये 3 गैस बहुत दिनों तक चलेगा, क्योंकि अब हम लोग लकड़ी पर खाना बनाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी है हमारी चरम सीमा पर, समझ गए भैया? अरे पप्पू, तुझे तो अपना साला कहने में शर्म आती है मुझे। तुम लोगों के ज़माने में भी तो गैस सस्ता था, अब महंगा हो गया। महंगाई तो बढ़ती है ना समय के साथ, कभी घटती तो है नहीं। पहले तुम्हारी दिहाड़ी 100 रुपये थी, अब 500 हो गई है। इस बारे में तो बात नहीं करोगे तुम, सिर्फ बेइज्जती करने में लगते हो सरकारों की। खुद तो कुछ उखड़ा नहीं अपनी सरकार में, और दूसरों की सरकार में ताने कस रहे हो। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो तुमने क्या किया 70 सालों में, अब क्या हो रहा है।